What is up everyone, this is Mew Keshu, 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 and we are back with another one. तो हम MUA के पुराने गाने चेक आउट कर रहे हैं धीरे धीरे. हम पूरा उनके डिस्कोग्राफी जो है MUA का वो हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर MUA मोर एंड मोर. काफ़ी सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं MUA को. मैंने कल ही कुछ तो पढ़ा, एक मिनट, मेरे को एक कॉमेंट आया था. आई थिंक एक शॉर्ट, मेरा जो शॉर्ट है 30K पहुंच गया है मेरा शॉट, वेरी नाइस. बट या उसमें एक कमेंट आया था कि MUA इज अ किड इन इंडियन हिप हॉप. मेरे को इतना हंसी आया ना भाई कि आप MUA को एक बच्चा बोल रहे हो इंडियन हिप हॉप में. आई मीन सीरियसली ब्रो, सीरियसली क्यों? मतलब क्या ऐसा आपको मजबूरी आन पड़ी कि आपको ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि MUA एक बच्चा है इंडियन हिप हॉप में? कैसे बच्चा है भाई, कौन से एंगल से आपको बच्चा लग रहा है? सब आपको एमिनम जैसा तो नहीं मिल सकते. अगर आप बोल रहे हो कि लिरिकल हिप हॉप चाहिए आपको, तो जाओ लिरिकल हिप हॉप सुनो, कौन मना कर रहा है आपको? इसका मतलब ये नहीं कि MUA लिरिकल ट्रैक्स नहीं निकाले, काफी लिरिकल ट्रैक्स निकाले हैं भाई. वो आपको इतने इंग्लिश जापानीज रेफरेंसेस नहीं दे सकते, क्यों देंगे? उनके पास हिंदी के ही इतने रेफरेंसेस है, इंडिया से, इंडिया के अंदर ही इतने रेफरेंसेस है, वो डालते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से बोलते हैं. कोई ज़रूरत नहीं है उस, वो भी लिरिकल हिप हॉप है. ऐसा नहीं कि आप हर लाइन आपको डबल ट्रिपल मारना पड़ेगा तभी जाके आपको एक लिरिकल हिप हॉप का दर्जा मिलेगा. नहीं, MUA के काफ़ी ट्रैक्स हमने चेकआउट किए जो लिरिकल हिप हॉप है, और MUA वर्सेटाइल है, और उनका मोटो भी यही है. वो कभी अपने आप को लिरिकल रैपर नहीं बोलते. आपने कभी सुना है MUA को क्लेम करते हुए कि मैं लिरिकल रैपर हूँ? वो हमेशा बोले कि मैं वर्सेटाइल हूँ, और वो प्रूफ हुआ है वो वर्सेटाइल है. कमर्शियल भी डालते हैं, सीरियसनेस भी डालते हैं, मोटिवेशनल ट्रैक्स भी डालते हैं, वर्सेटाइल है बंदा. तो फिर ये आके ये बच्चा है इंडियन हिप हॉप का, ये वो, भाई आप पहले, हाँ पहले टिका लो. बट एनीवे, MUA बनता है तड़क पड़क ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो. तड़क पड़क काफी रिक्वेस्टेड ट्रैक है. सो विदाउट मच फर्दर डू, लेट्स चेक दिस आउट. अच्छा वो इंट्रो था, क्या बात कर रहे हो? डायरेक्टर सनातन कुमार, प्रतीक यादव. Look at this fonts and look at the style, man. This is crazy, bro. ये बनता है? नहीं नहीं. अरे? भाई कॉन्सेप्ट वीडियो है, कॉन्सेप्ट वीडियो. ये उसका धर्म है, वो उसका धर्म है, इसको लेके पब्लिक अपनी गरम है. बैड लुक इन द राइम स्कीम्स. बट ये वीडियोस, मतलब पुराने जितने वीडियोस में MUA के देख रहा हूँ ना भाई, हसल देखो आप, हसल देखो. प्रोडक्शन लेवल डेफिनेटली हाई नहीं है, इसीलिए इतना एडिटिंग आप देख रहे हो, इतना एडिटिंग किए भाई, इतना एडिटिंग VFX डाल रहे हैं, खतरनाक लेवल का. क्योंकि वो जानते हैं कि वीडियो विजुअल्स उतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं कि लोग बोलेंगे ओके अमेजिंग विजुअल्स. एडिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत काम हो रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. दिस इज स्मार्ट. कोई बच्चा इतना स्मार्ट नहीं होगा आपके हिसाब से, ठीक है? आप जो बच्चा बोल रहे हैं MUA को, इतना स्मार्ट नहीं हो सकता भाई. इनिशियल स्टेज में कॉन्सेप्ट लाना, अभी जो निकल रहे हैं रैपर्स वो इनिशियली वो ऐसे कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वो कर रहे हैं. लेकिन जब ये ट्रैक आया था 2016 में, ये ट्रैक आया था, तब कौन सा बज था भाई हिप हॉप का, आप बताओ मेरे को, कौन सा बज था हिप हॉप का? ये बस बनाया भाई, ये MUA बनता है ने बस बनाया भाई.
बात को लेके पब्लिक आपस में गरम है। तेरे जो तू चढ़ी पार है, शायद से तुझे 104 का बुखार है। तू जीरा अनुसार समाचार के तो मेरे इस पे बैठ, क्योंकि यही समाचार है। इतना हल्का इंसान तू, 5 किलो भेजा लेके इतना परेशान क्यूँ? सबर के सोच में क्यूँ, क्यूँ मेरे गाने सबके सेल फोन में क्यूँ? जुड़े चीजों को तुम आके तोड़ ले, क्यूँ जरा नोरी है तो आके तोड़ ले। पड़क तुम काम करके दिखाने का, तड़क पड़क तड़क फटे पैसा कमाने का, तड़क पड़क तड़क छोटे महफिल जमाने का, तड़क पड़क तड़क ले तो छोटे सिरा सड़क पे। काम करके दिखाने का, तड़क पड़क तड़क फटे पैसा कमाने का, तड़क पड़क तड़क छोटे महफिल जमाने का, तड़क पड़क तड़क ले तो छोटे सीधा सड़क पे। मैं हूँ ओरिजिनल, तुम सब पता चली ना, मेरा सुन के बताओ किस किस की गाड़ी चली। भाई यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट्स लिया भाई रामदेव बाबा के ऊपर। मैं ओरिजिनल तुम सब पतंजलि, ओह माय गॉड। मैं हूँ ओरिजिनल तुम सब पतंजलि ना, मेरा सुन के बताओ किस किस की गाड़ी चली। असली नाम मेरा भी लाल है, धीरे से मेरे बोला फिर भी ये बदबाल है। आने वाले कुर्बानी में लाला तू हलाल है, इस जंगल का शिकारी में और तू मेरा शिकार है। आरा मारा पारा जरा फिर से समझा रहा मैं, ऊपर से छू करके कुकर वाला सिटी नहीं हूँ मैं। जो तेरे छूने से मेरे मुंह पे चूना को लपेटू मैं, जब देखू मैं तेरे को तू सोचे जगह पे मुतू मैं, थुकू मैं अकड़ पे तेरे फैंस को लूटू मैं। तू तू करेगा मुझसे तो मजबूत पिटू मैं, भूकू मैं बातें जो सबके जिंदगी में हो रहा है। जो काबिले काम के वो काम के लिए रो रहा है, आतंकी हम लोग से वहाँ बच्चा माँ को खो रहा है। पढ़ लिखने के उम्र में वो कप सासर धो रहा है, क्यों तो ये हो रहा है, क्यों तो ये हो रहा है। खैर इसका किसके पास जवाब नहीं, जिसके पास जवाब है इसका वो इसके पास है। राज नहीं आता मैं जब तक ना बोलू, सांस लिए खांस लिए, तुम तो पहले दम पे आवाज किए। दुबला हूँ शरीर से क्योंकि कमी तो माफ किए, फिर भी तुम लोगों से ज्यादा मुझ में बड़ी दास दी है। क्योंकि ना मैं करता कोई गलत काम, करता हूँ गलत तो सीधा करता हूँ हलक जाम। ओके, काफी सारे लोग कृष्णा के कैप की हाइप की बात कर रहे हैं कि कृष्णा जब वो कैप पहनता है तो वो नेक्स्ट लेवल यू नो डिस करता है। लेकिन कितने लोगों ने ये चश्मे वाली हाइप देखी है भाई। चश्मा पहनोगे तो नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल सीन होगा आपका, ठीक है ना। तो ये चश्मा हमेशा एमवे के साथ रहा है। एंड ब्यूटिफुल मैन, लुक एट द एडिटिंग भाई, जो एडिटिंग किया प्रतीक, जो प्रतीक है उन्होंने एडिटिंग किया है भाई। मैं थक गया भाई इतना देख देख के एडिटिंग। आई भी मैं स्क्रीन में भी रोका हुआ, आप देखो VFX भाई, इतने खूबसूरत VFX, इतने खूबसूरत VFX, पॉप, काफ़ी पॉप ये वीडियो को बनाया गया, ठीक है। वो जानते हैं कि जो शूट किया गया है वो ठीक है, यू नो वो ठीक है। उसमें हम आप लोकेशन ज़्यादा महंगे लोकेशंस में नहीं जा सकते, तो जो भी है उसमें काम बन जाएगा, एज लॉन्ग एज योर ट्रैक इज पॉपिंग, लोकेशन डजंट मैटर, ठीक है। अगर आपका ट्रैक स्लो है, मेलो है, तो लोकेशन भी ड्रीमी होना चाहिए, तो उसके लिए लोकेशन ढूंढना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, हज़ार बात, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रैक इतना हार्ड है तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम शूट कर देते हैं, और ये जो प्रतीक है हमारा ये कलर ग्रेडिंग कर देगा, ये यू नो वो टच दे देगा, वो पॉप दे देगा जो चाहिए, और VFX लगा देगा, लिरिक्स भी डाल देगा बीच बीच में, सो दैट यू नो चीज़ें पॉप हो, लोगों को इंटरेस्टिंग लगे वीडियो। और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, वो कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग था कि वो आया जिसके पास कुछ नहीं है और वो खाने के लिए तरस रहा है, ये कर रहा है, और उसने MUA का चश्मा उठाया पहना, एंड ही गॉट सुपर पावर्स टू स्पिट सम बार्स ब्रो, एंड उन्होंने स्पिट किया एंड हमने सुना, क्या खतरनाक फ्लो था। आई लव द फ्लो, आई लव द बीट, यू नो बहुत कुछ चल रहा था म्यूजिक में, म्यूजिक वाइज द इंस्ट्रूमेंटल वॉज ऑल ओवर द प्लेस, द इंस्ट्रूमेंटल वॉज ऑल ओवर द प्लेस। मुझे लग रहा था कि अभी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पैटर्न मैंने पकड़ लिया था पैटर्न,
उस पे एमए बाउंस कर रहे थे, लेकिन उसके साथ जो एलिमेंट्स आ रहे थे और ट्रम्पेट भी बज रहा था उसके साथ, और फिर क्या क्या चीज़ें एलिमेंट्स थी, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ था, लेकिन उसके बीच में एमए अपना वर्स कर रहे थे। तो ये काइंड ऑफ एक स्टोरी है कि इतना आवाज़ है चारों तरफ, इतना आवाज़ है चारों तरफ, लेकिन इतना आवाज़ होने के बावजूद भी मैं अपना थॉट्स, अपने थॉट्स पुट अक्रॉस कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आपके कन्वे कर रहा हूँ, इतना नॉइज होते हुए भी, इतना भीड़ में भी, इतने भीड़ में भी मैं स्टैंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। सो आई डोंट नो कि वो सोच थी कि मैंने ज़्यादा खींचा इसको, लेकिन आई लाइक दिस सॉन्ग मैन, आई लाइक दिस सॉन्ग, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, क्योंकि आज एमए जो है और ये जो एमए थे मैन, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आजकल एमए काफ़ी ईज हैं, यू नो काफ़ी ईज है, वो काफ़ी काम है, कंपोज्ड है वो, क्योंकि जो चीज़ें वो चाहते थे वो मिल चुकी है उन्हें, अभी बस उन्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, अभी बस उन्हें आगे बढ़ना है और काम करना है, उनको काम करना बहुत अच्छा लगता है तो उनको आगे बढ़ना है। तो ये आज का जो एमयूवे है वो काफ़ी ईजी है, आज का जो एमयूवे है वो काफ़ी रिलैक्स्ड है, यहाँ पे जो एमयूवे है वो बहुत ज़्यादा एज पे दिख रहा है, एंड दोनों एमयूवे को मुझे पसंद है, दोनों एमयूवे मुझे पसंद है। सो एमयूवे बनता है तड़क पड़क ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो, लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा, एंड यू गाइस नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कोशिश करके कॉन्टेस्ट सी द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन।